वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में बताऊंगा बाइनेंस एनएफटी की एक और खतरनाक लूट, जहाँ पर आपको फ्री पॉकेट में इंस्टेंट मिलेगी बाइनेंस एनएफटी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर मैं दिन भर में शॉर्ट वीडियो देके आपका खतरनाक प्रॉफिट करवाता हूँ। देख लो, आज भी इंस्टेंट पेमेंट वाला लूट आया था, जो कि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा था। ठीक है, ओवर भी हुआ था 15-20 मिनट के अंदर, लेकिन बाद में ठीक है। लेकिन जो भी लूट आता है शॉर्ट टाइम में, सबसे पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो जाके मस्ट टू मस्ट ज्वाइन करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लिंक करना करे तो सर्च कर लेना, प्रिया करके भाई 786 चैनल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम ग्रुप को भी इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो, देख सकते हो। कल मैंने बाइनेंस का जो ऑनलाइन एनआन वाला जो प्रोग्राम था, जिसका मैंने परसों आपको वीडियो दिया था, उसका भी पेमेंट सबका सेल करवा दिया है, देख सकते हो। किसी किसी ने मौज कर दी भाई, किसी किसी ने देख सकते हो गाइस यहाँ पर कितने कितने डॉलर का वो किया है। ठीक है, किसी ने यहाँ पर 28 डॉलर, किसी ने कितना कितना डॉलर लूटा है, आप देख ही सकते हो। पेमेंट रुक सभी ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल के रखे, तो ग्रुप को भी मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो गाइस। एंड चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब यार गाइस, कोई थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आपके भाई को, कोई इसका पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और कमेंट भी कर देना ये लूट कैसी लगी, और कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। ठीक है, अभी क्या करना है, इस टेलीग्राम पे इस तरीके से लिंक दूंगा, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे इस तरीके से आओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन विद ट्यूटर पे क्लिक करना है, उससे पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, बाद में साइन इन विद ट्यूटर पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, बाद में साइन इन विद ट्यूटर पे क्लिक करना, ऑथोराइज कर देना गाइस इसको। ठीक है, जैसे ही इसे ऑथोराइज करोगे तो इस तरीके से आएगा, इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। अभी आपको यहाँ पर बिटकॉइन वाले लोगों पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। एक मिनट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ गाइस। यहाँ पर आपको कनेक्ट विद बाइनेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वेट लेगा। ठीक है, तो इसको ट्विटर पे फॉलो करना है, और 10 फॉलोवर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्विटर पे फॉलो करना है, तो चलिए गाइस इसे हम फॉलो भी कर लेते हैं ट्विटर पे जाके पहले। तो देखो यहाँ से हमने इसे फॉलो कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉलोविंग का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वापस, फिर आपको इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ट्विटर पे क्लिक करके ऑथोराइज़ कर देना। ठीक है, ट्विटर वगैरह को फिर इसे कट कर देना, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, दिखाता हूँ एक मिनट। अभी आपको यहाँ पर लॉगिन विद बाइनेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है गाइस। अभी आपको बाइनेंस के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर आपको वो ईमेल डाल के साइन अप लॉगिन करना है, जिसमें आपको फुल केवाईसी है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए पहले लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो देखो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद इस तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करो, कनेक्ट विद ट्विटर हट गया, तो इसको ट्विटर के साथ फिर से कनेक्ट कर लो ऊपर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद एक मिनट में देखता हूँ यहाँ पर मेरा केवाईसी कंप्लीट क्यों नहीं दिखा रहा, मैं चेक कर लेता हूँ गाइस। तो देख लो गाइस, वो मेरा दूसरा अकाउंट था, इसलिए ऊपर से आप लॉग आउट कर लेना उसको। ठीक है, मेरा दूसरा अकाउंट गलती से मैंने लॉग इन कर लिया था। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, रियल का डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले मैं रियल जीवन का डाल लेता हूँ। चलिए पहले तो देख लो गाइस, फाइनली कन्फर्म कर दिया। अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिटकॉइन वाले लोगों पे, तो देखो थोड़ा सा वेट लेगा गाइस। सक्सेसफुली ज्वाइन और ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो देखो थोड़ा सा, जैसे ही वेट करोगे इस तरीके से आएगा। यहाँ पर क्लेम एनएफटी नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पर क्लेम नाउ पे क्लिक कर देना, तो आपका ये क्लेम हो जाएगा। देखो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर मेरा क्लेम हो गया, और यहाँ पर मेरा एनएफटी भी शो कर दिया जाएगा। देखो ठीक है, मेरे पास दो मिस्ट्री बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो मिस्ट्री बॉक्स नहीं, एनएफटी से। तो अभी इसे चेक कैसे करना है, सीधा आपको बाइनेंस एप्लीकेशन में आ जाना है। ठीक है, तो मैं आया, पहुंच गया बाइनेंस पे, मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद बाइनेंस एनएफटी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यूज़र सेंटर पर जाना है। अभी आपका देखो यहाँ पर एनएफटी शो कर दिया है। ठीक है, एक मिनट में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर मेरे को मिला है मिस्ट्री बॉक्सेस, तो यूज़र सेंटर पे जाना है। यूज़र सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिस्ट्री बॉक्सेस पे क्लिक करना, और यहाँ पर मो बॉक्स का एनएफटी मिला मुझे, तो इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस एनएफटी पे क्लिक करना, बॉक्स मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू मोड पे क्लिक करना, क्लिक करोगे इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर चेक रिवार्ड पे क्लिक करना,
ओपन बॉक्स पे क्लिक करना तो आपका एक NFT खुल जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला NFT खुला है, तो इसको माई कार्ड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। देखो ठीक है, अभी यह हो गया मेरा NFT। अभी इसको चाहो तो लिस्टिंग पे लगा सकता हूँ, लेकिन मोबॉक्स का NFT लॉक वगैरह रहता है। ठीक है, तो जैसे ही अनलॉक होगा आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ही अनलॉक होता है हम उसके बाद इसे सेल पे लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अनलॉक कब होगा सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलिए एक और अकाउंट से करके दिखा देता हूँ। वेलकम टू द सेकंड डिवाइस। इसमें ऑलरेडी अगर आपने क्लेम किया होगा तो नहीं होगा, पर मैंने क्लेम नहीं किया इसलिए मेरा इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसमें ऑलरेडी बाइनेंस में एक मोबॉक्स का NFT पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, उसके बावजूद बाद में देखेंगे कि होता है कि नहीं। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पर मोड पे जाता हूँ, बाइनेंस NFT पे गया, सिंपली था यहाँ पर गया, उसके बाद करता हूँ मैं 3 डॉट पे क्लिक। सॉरी गाइस, थोड़ा नेट लोअर है। ठीक है, तो 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यूजर सेंटर, एंड सेंटर में जाने के बाद देख लो मेरे पास ऑलरेडी बाइनेंस का एक NFT पड़ा हुआ है, जो कि मैंने सेल पर लगाया है। सेल पर लगाया था, शायद अनलिस्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो मोबॉक्स का है मेरे पास, जो कि मैंने 1 BNB में लगाया था और अभी भी लगा पड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लेम करने का कोशिश कर लेते हैं। इसमें भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है गाइस, यहाँ पर क्लिक करना है, पहले टिक करना है यहाँ पर, फिर साइन इन विद ऑथोराइज्ड ट्यूटर करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा ऑथोराइज हो जाएगा क्योंकि इस पर मेरा 10+ फॉलोवर भी है, एंड बाइनेंस भी लिंक होगा शायद। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर लिंक और बाइनेंस पे इस बिटकॉइन वाले लोगों पे क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन वाले लोगों पे क्लिक करा, फिर अभी आ गया लॉगिन विद बाइनेंस, तो इसको कट करता हूँ, इसको कट करने के बाद लॉगिन विद बाइनेंस पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मुझे बाइनेंस के अंदर वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो देख लो मैंने कर दिया, OTP वगैरह डाल दिया, अभी सबमिट करता हूँ गाइस। सबमिट जैसे ही करूँ फिर से इसी साइड पर आ जाऊँगा वापस। ठीक है, तो मेरा बाइनेंस भी यहाँ पर लॉगिन हो गया, अभी फिर से मैं इस पर बिटकॉइन वाले लोगों पर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से आएगा गाइस, इसको कट करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लेम NFT पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखो एक और मिस्ट्री बॉक्स मेरे को मिलने जा रहा है, तो और एक मिस्ट्री बॉक्स मिल रहा है, तो इसको क्लेम नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लेम नाउ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया क्लेम। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देख लो यहाँ पर हो जाएगा क्लेम, दिखाता हूँ 1 मिनट। तो देख लो क्लेम हो गया, और यहाँ से मेरा इधर एक और बाइनेंस का NFT मिल गया, मोबॉक्स वाला। ठीक है, देख लो अभी चलते इधर बाइनेंस के अंदर, सिंपली सा चलिए सीधा चलते हैं बाइनेंस पे। तो देख लो बाइनेंस पे आ चुका हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करके मोबॉक्स पे आ जाता हूँ। जैसे ही आऊँगा देख लो यहाँ पर आ चुका है, तो इधर क्लिक करता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मोबॉक्स पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इस NFT पे क्लिक करता हूँ, मोर डिटेल्स, यहाँ पर चेक योर रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, ओपन द बॉक्स। तो जैसे ही ओपन द बॉक्स करूँगा तो कुछ इस तरीके से खुलेगी NFT। ठीक है, तो मैं कलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगी, देख लो अभी इसकी लिक्विडिटी जैसे ही ऐड होगी तो बता दूंगा। आज मैंने 2-2 अकाउंट्स आपको लाइक क्लेम करके दिखा दिया, तो इस बार पे लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।